हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की सीरीज में आज हम चैप्टर 5 रिजरेखीय पथ पर गति के नेक्स्ट टॉपिक सरल रेखा में गति दूरी एवं विस्थापन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में हमें पहला ही पता है। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच, मतलब अगर दो पॉइंट है और वहाँ से प्राथमिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को ही विस्थापन कहते हैं। अब कुल चली गई दूरी ही कुल तय की गई लंबाई, अगर दो पॉइंट हैं और कुल तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है और प्राथमिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो भी शाब्दिक परिभाषा हो गई। अब वैसे हम जानते हैं कि माना कि कोई गतिमान वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, तो यक्ष अक्ष का चयन इस प्रकार किया गया है कि वह गतिमान वस्तु के पथ के अनुदिश हो, तथा यह भी माना गया कि इस निर्देशांक फ्रेम का मूल बिंदु O है, जहां से गतिमान वस्तु अपनी गति प्रारंभ करती है। गतिमान वस्तु की भिन्न भिन्न छड़ों पर भिन्न भिन्न स्थितियां होगी, जिसको हम PQR से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया गया ना कि माना कोई गतिमान वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, यक्ष अक्ष का चयन इस प्रकार किया गया है कि यह गतिमान वस्तु के पथ के अनुदिश है, तथा यह भी माना गया है कि इस निर्देशांक फ्रेम का वह मूल बिंदु O है, जहाँ से गतिमान वस्तु अपनी गति आरंभ करती है। यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट किया गया है। तो ये पॉइंट दिया गया PQ, ये ओरिजिन है, O है, ये R है, -60 -40 -20 20 40 60 80 एक्स डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि अब माना कि गतिमान वस्तु पहले O से P बिंदु तक जाती है, तथा पुनः P से Q पर वापस आ जाती है। तो अगर हम इसे हम यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, तो O से P तक की गति में वस्तु द्वारा चली गई दूरी OP80 है, तथा O से P एवं पुनः P से Q में वस्तु द्वारा चली गई दूरी OP प्लस PQ दैट इज 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 मीटर। अतः चली गई दूरी को व्यक्त करने में दिशा को महत्व नहीं दिया जाता। और यहाँ पे यह बताना एक जरूरी होगा कि दूरी एक अदिश राशि है, परंतु यदि O से P एवं P से Q गति के लिए दिशा को भी महत्व दिया जाए, तब गतिमान वस्तु की मूल बिंदु O से दूरी मात्र 60 मीटर ही होगी। अतः जब दूरी का मापन दिशा को भी ध्यान में रखकर करते हैं, तो यह दूरी विस्थापन कहलाती है। तो यह दूरी हमारी विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन को वस्तु की स्थिति परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं, जैसे कि समय T1 व T2 पर किसी गतिमान वस्तु की स्थिति क्रमशः X1 व X2 हो, तो समय अंतराल Δt इज इक्वल टू T2 माइनस T1 में उसका विस्थापन Δx इज इक्वल टू X2 माइनस X1 द्वारा व्यक्त किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना हमें है कि यदि X2 इज ग्रेटर देन X1 तो विस्थापन Δx पॉजिटिव होगा, यदि X2 इज लेस देन X1 तो जो विस्थापन होगा Δx वो निगेटिव होगा। अब उसी कंडीशन पे यहाँ पे मान लेंगे Δx इज इक्वल टू 80 माइनस 0 दैट इज 80 मीटर। पॉजिटिव का मतलब यह है कि विस्थापन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, अतः पी से क्यू तक की गति में विस्थापन Δx इज इक्वल टू 60 माइनस 80 दैट इज माइनस 20 मीटर। अब अगर इसको हम एक डायग्राम के टर्म में क्रिएट करें, तो ये मैंने बनाया गया O से A तक जाने में 3 मीटर, A से B तक जाने में 4 मीटर, तो हमारा इसका विस्थापन क्या हो जाएगा OB, तो OB इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट OA² प्लस AB², ये 3 का स्क्वायर प्लस 4² 3 3 9 5 मीटर, ये भी हमारा विस्थापन आया। अब अगर हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ एक मतलब कुछ एक तथ्य हैं जिसे हमें जानना जरूरी है, तो पहला दिया है हम मान सकते हैं कि विस्थापन का संबंध गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं से होता है, ना कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ से, जबकि दूरी के लिए यह तथ्य उपयुक्त नहीं है।
दूरी के लिए हम क्या करते हैं, कुल चली गई लंबाई नापते हैं और इसमें प्राथमिक तथा अंतिम स्थितियों को मेजर करते हैं। दूसरा है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव एक अशून्य संख्या होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। और थर्ड है दूरी तथा विस्थापन का अनुपात या तो एक के बराबर या फिर एक से बड़ा होता है, अर्थात दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन।